नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO 12 Pro 5G वर्सेस POCO F6 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12 Pro में 6.48 इंच जबकि F6 Pro में 6.33 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 12 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो 12 Pro में 2.97 इंच जबकि F6 Pro में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो 12 Pro में 0.34 इंच जबकि F6 Pro में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 12 Pro में 205 ग्राम जबकि F6 Pro में 209 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 12 Pro में AMOLED जबकि F6 Pro में फ्लो AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 12 Pro में 6.78 इंचेस जबकि F6 Pro में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1440x3200px QHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12 Pro में 89.42% जबकि F6 Pro में 89.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12 Pro में 518 पिक्सल प्रति इंच जबकि F6 Pro में 526 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। और F6 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और F6 Pro की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 12 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और F6 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12 Pro में Adreno 750 जबकि F6 Pro में Adreno 740 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और F6 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो 12 Pro में 16GB जबकि F6 Pro में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 12 Pro में 5100mAh जबकि F6 Pro में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 12 Pro में 3 कलर्स जबकि F6 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 12 Pro 16GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 58,090 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें F6 Pro की तो वो 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 40,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो iQOO 12 Pro 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है।
जबकि बात करें पोको F6 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F6 Pro आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 12 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S23 FE 5G है, दूसरा टेक्नो फैंटम वी फ्लिप है, तीसरा OnePlus 11R है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X100 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।